On academy let's track it Hey learners, it's me Vishwadeep and we at Anacademy are launching All Star and Foundation batch for Gate and PSU 2024 and 2025 from 13th of July. Flat 20% off plus three months free extension for Plus and Iconic subscriptions, and 10% price drop for nine and 18 month Iconic subscriptions. The offer is valid only till 15th of July. Hurry up, let's crack it! है एवरीवन गुड आफ्टर गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग माय नेम विश्वदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑनअमी कंप्यूटर साइंस चैनल फॉर अनलिमिटेड लर्निंग गेट एग्जाम के लिए अब सिर्फ और सिर्फ चार दिन आपके पास रह गए हैं पांचवें दिन आपका एग्जाम है और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब गेट की प्रिपरेशन के लिए बचा है वो है आपका कॉन्फिडेंस आप लोगों ने आज ही एक ए टेस्ट लिखा होगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो कि आप लोगों का आखिरी मॉक टेस्ट था मैंने आप सब लोगों को काफी दफा काफी बार बताया है कि अब आपको मॉक टेस्ट लिखना नहीं है क्योंकि अब यहां से जो आपको चीज ज्यादा जरूरत है जिस चीज की वो है कॉन्फिडेंस देखिए आपने करीबन छह महीना आठ महीना एक साल प्रिपरेशन के बाद काफी सारा नॉलेज ले लिया कोर्सेस सीख लिए कोर्सेस सीखने के बाद में ये भी सीखा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है उन नॉलेज के थ्रू अलग अलग टाइप के ढेर सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए टेस्ट भी लिख दिए ताकि अपनी गलती आइडेंटिफाई हो पाए कि क्या क्या गलती आप करते हैं एग्जाम लिखने के दौरान और उसे कैसे आप अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं वो सब लर्निंग का फेज जो था वो आपने कर लिया है अब जो एग्जाम में परफॉर्मेंस की जो बारी आएगी वो आएगी अब आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की कि जब आप एग्जाम में परफॉर्म करेंगे तो आपको अब जो सबसे ज्यादा जरूरत चीज लगेगी वो है आपका कॉन्फिडेंस और वो है आपका कंसंट्रेशन और वो है आपका खुद पे सेल्फ बिलीव जो तभी मुमकिन है जब आप लू फील ना करें फ्रस्ट्रेटेड या अपने आप से गुस्सा या गिल्ट फील ना करें ज्यादा आप हड़बड़ाहट में ना रहे और ना ही बहुत ज्यादा जो है आप लो ऑन कॉन्फिडेंस फील ना करें तभी आपका ये जो एग्जाम है उसमें परफॉर्मेंस बेटर बैठेगा आज कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम बातें करेंगे सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने लूंगा एक पर्टिकुलर क्रिकेट मैच का अगर आप लोगों को याद है ये विजुअल्स जो है मैंने आईसीसी के एक यूट्यूब चैनल से लिए हैं Uh, तो इमेज क्रेडिट तो लिखा ही है अगर आपको ये विजुअल्स याद है तो अच्छी बात है नहीं याद है तो एक क्रिकेट मैच था जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेल रहे थे इस मैच में लगभग मुझे जबकि मैं बहुत क्रिकेट को फॉलो करता हूं मुझे उम्मीद नहीं थी कि इंडिया अब जीत पाएगा जस्ट बिकॉज द पिच वॉज नॉट प्लेइंग वेल बहुत टफ थी कंडीशन खेलने के लिए विराट कोहली वॉज ऑफकोर्स प्लेइंग ऑन ही पीक एमएस धोनी भी आना बाकी थे उस मैच में बट मुझे ऐसा लगा कि अब यहां से मैच चले गया बट द कॉन्फिडेंस ऑफ दिस मैन वॉज दैट डे एंड दैट इज वेयर ही won द मैच ये देखो ये जो विजुअल्स हैं एक्चुअली उसके चेहरे के सेटिस्फेक्शन को आपको बताएंगे और ये सेटिस्फेक्शन तब का है जब वो मैच जीत चुके थे जब आखिरी शॉट एम एस धोनी ने इस प्ले इस मैच में मारा था तो उसके बाद ही हैज जस्ट थ्रोन द बैट द ग्लव डाउन साइड और रिलैक्स मैनर में सेटिस्फाइड मैनर में आप उसका चेहरा देख सकते हैं कि अरे बस खत्म हो गया जो करना था सेटिस्फेक्शन मिल गया बट ये तब आया जब आप इस मैच के अगर हाईलाइट देखेंगे बाई चांस अभी नहीं शायद एग्जाम के बाद या कभी भी तो इस मैच के हाईलाइट में आप देखेंगे कि कॉन्फिडेंस द वे ही वॉज प्लेइंग वॉज अमेजिंग तो ये जो कॉन्फिडेंस वाली चीज है ना आपसे अपने आप जो कैपेबिलिटी है उसको परफेक्टली निकलवा के लाता है ये जो कॉन्फिडेंस है वो एक ऐसी चीज है जो आपकी कैपेबिलिटी को आपकी कैपेसिटी को आपकी जो स्किल्स uh, हैं उसे परफॉर्मेंस में पूरी तरीके से यूटिलाइज करवाता है कॉन्फिडेंस और जहां आप कॉन्फिडेंस लूज किए जहां आपने लो फील किया जहां आप थोड़ा सा बिखर गए तो फिर ये कॉन्फिडेंस ही एक ऐसी चीज है कि जो आपको लोवेस्ट बॉटम लेवल भी दिखा देता है तो दोनों टाइप आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन और उस इस कॉन्फिडेंस की वजह से इसीलिए जो मैं कहता हूं वापस आपको बार 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 कि ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है अब मैंने कहा मॉक टेस्ट मत लिखो पता है क्यों कहा मैंने ऐसा क्योंकि आप जब मॉक टेस्ट लिखते हो ना तो गलतियां करते हो जब गलतियां करते हो मार्क्स कम आते हैं तो प्रॉब्लम पता है क्या होती है आप उन मार्क्स में अपने आप को गिल्ट फील करवाते हो यार चालीस ही आ रहे हैं एग्जाम में भी इतना ही आएगा पहले ही डिसाइड करके आपने सोच लिया है तो फिर उसके बाद आप वहां से उभर के नहीं आ सकते तो मॉक टेस्ट लिखने से क्या है अच्छा हमारे पास टाइम था काफी था हमने मार्क्स लिखे और मार्क्स से क्वेश्चंस के थ्रू हमने अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व करने की कोशिश भी कर ली अब ये टाइम नहीं है कि हम मार्क्स लिखें या कोई भी टेस्ट सीरीज लिखें ताकि अब हमें कोई भी ऐसा मोमेंट ना आए हमारी अगले पांच दिन की लाइफ में जिससे हम लो फील करें या लो ऑन कॉन्फिडेंस फील करें क्योंकि जहां आपने मॉक लिखा या टेस्ट सीरीज लिखा या कोई क्वेश्चन ट्राई किया और वो क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो फिर आपको ऐसा लगेगा अरे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है एग्जाम में तो अब मेरी अच्छी रैंक आएगी ही नहीं हमारी एक प्रवृत्ति होती है एक कैरेक्टर होता है हमारी ना एक छोटी सी आ, कह सकते हैं गलती हो या फिर एक कैरेक्टर होता है हर किसी का एक थिंकिंग लेवल होता है हर किसी का कि हम सब एक जो बची हुई चीज है थे ना उसी पे कंसंट्रेट करते हैं सिंपल सी बात है मतलब आप में लाखों अच्छाइयां होंगी पर अगर एक बुराई आप में है एक गलती आपने कर दी तो बस वही लोग उसको हाईलाइट करते रहेंगे हमारे साथ हमारे टीचर्स हम, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमने चाहे लाखों अच्छी चीजें पढ़ा दी हजारों अच्छी चीजें पढ़ा दी बहुत अच्छा कर दिया सब कुछ अच्छा कर दिया बट एक चीज अगर हमने नहीं की कि हमने आपको मैराथन में एक टॉपिक नहीं पढ़ाया सर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया सर आप ये टॉपिक भूल गए ये रह गया तो वो आपको हर कहीं मिलेगा और हमारी आदत हर किसी में है इनफेक्ट अपनी चीज अपनों के लिए भी ऐसा ही है अगर हम स्टार्ट में से फिफ्टी नाइन क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं एक क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं होता है ना तो हमारा माइंड उधर उस क्वेश्चन की तरफ रहता है ये क्यों नहीं हुआ ये क्यों नहीं हुआ ये होना चाहिए था और उसके चक्कर में हम जो फिफ्टी नाइन क्वेश्चन अच्छे कर चुके हैं उनका कॉन्फिडेंस या उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको एंजॉय नहीं कर पाते तो ये बड़ा ही प्रॉब्लम आता है हर एक स्टूडेंट की लाइफ में ऐसा होता है हर एक के लाइफ में ऐसा होता है स्टूडेंट नहीं आपको आगे की अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा हो तो फिर इसको ओवरकम करने के लिए करेंगे क्या इसको ओवरकम करने के लिए कोशिश करेंगे कि अब हम प्रैक्टिस कम करें थोड़ा अगर जरूरत नहीं है तो नहीं ही करें प्लस अब हम सिर्फ और सिर्फ रिवेशन पे ध्यान दें ताकि कॉन्फिडेंस हमारा अब ही रहे मोरल कम ना हो है ना चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं आप सब लोगों से है ना आप लोगों ने क्या आप लोगों ने क्या सिलेबस पढ़ा है का? कम से कम पांच से छह तो होंगे दस सब्जेक्ट में से पांच तो हर किसी ने पढ़े ही होंगे चार सब्जेक्ट पांच सब्जेक्ट छह सब्जेक्ट कुछ तो पढ़ा है कुछ तो रिवाइज किया है।, है ना अब आपको ही खुद को पता है कि मैंने इनफ मेहनत की है जितना मेरे पास टाइम था उतने से तो क्या जितना हमने कवर किया है सिलेबस प्रैक्टिस रिवीजन लर्निंग सब कुछ मिला के तो क्या उतना हम यूटिलाइज कर सकते हैं कोशिश करते हैं यार गेम ऑफ क्रिकेट की ही वापस से बात करता हूं कि आप अगर सारे क्रिकेटर्स को देखेंगे तो कुछ क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं जिनके पास सारे शॉट्स होते हैं हर टाइप के शॉट खेल सकते हैं वो और बहुत अच्छी टेक्निक भी होती है कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जिनके शॉट्स लिमिटेड होते हैं बट फिर भी दोनों अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि इस प्लेयर को पता होता है सेकेंड टाइप के प्लेयर को पता होता है कि मेरी जो लिमिटेशन है जो मेरे पास लिमिटेड टाइप के शॉट्स हैं खेलने वाले उनको कैसे सही टाइम पे सही जगह पे यूज करने का है उससे पता है, होता क्या है उससे ये होता है कि वो पर्सन अगर अपने आप की अच्छाइयां जानता है कि मुझे ये अच्छे से आता है कहां कहां इसको इस्तेमाल करना है तो वो भी अच्छा स्कोर कर सकता है और अच्छा खेल सकता है अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो क्या आप ये नहीं कर सकते कोर्स कर सकते हैं बट हमारा ध्यान तो क्या सर मैंने सिर्फ पांच ही सब्जेक्ट पढ़े सर अरे पांच तो पढ़े हैं कम से कम उतना कॉन्फिडेंस तो लेके जाओ एग्जाम में कि पांच से जो क्वेश्चन आएंगे मैं करने की कोशिश करूंगा अगर आप इसको भी लेके बैठ जाओगे सर पांच बज गए सर दो बज गए सर ये बज गया वो बज गया तो उस चक्कर में जो आपने किए हुए हैं टॉपिक्स वो रह जाएंगे तो फिर क्या करोगे जो आप कर सकते थे क्वेश्चन वो भी या तो गलत करके आओगे या फिर करोगे ही नहीं कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा तो अब आप बताओ आपका क्या डिसीजन है क्या आप चाहते हो कि जो आपने नहीं पढ़ा या जो आपसे नहीं बनता है उनके या उन चीजों पे कंसंट्रेट करने की वजह से आप जो कर सकते हो या जो पढ़ा है उसको आप यूटिलाइज ना करो क्या ऐसा करोगे बताओ अच्छा एक एक और बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लाइफ का बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मुझे आज क्रेविंग हो रही है खाने की तो मैंने आज ऑर्डर किया एक पिज्जा एक बर्गर और एक आइसक्रीम बड़ी इच्छा हो रही थी खाने की मैंने ऑर्डर कर दिया अब सडनली क्या हुआ पिज्जा और बर्गर तो आ गए बट आइसक्रीम डिलीवर नहीं हो पाई किसी रीजन से और उन्होंने कैंसिल कर दिया ऑर्डर अब आस पास और कोई अच्छा आइसक्रीम पार्लर भी नहीं है जहां से हम आइसक्रीम ऑर्डर नहीं कर पाएंगे ठीक है अब आइसक्रीम नहीं आने का इतना दुख मनाऊंगा क्या मैं कि जो पिज्जा और बर्गर आए हैं उन्हें खाऊंगा ही नहीं तुम बताओ वो तो खाओगे ना और एंजॉय भी करोगे पर क्या इतना दुखी हो जाओगे आइसक्रीम की वजह से कि इनको एंजॉय भी नहीं कर पाओगे ऑफ कोर्स नहीं यार इनको तो खाएंगे ना और मजे से खाएंगे वही तो एक गेट एग्जाम का एक छोटा सा समरी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने जितना कोर्स का जितना टॉपिक जितने अच्छे से किया है अगर उसी को ही आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म करके आओगे तो आप अभी भी अच्छा कर सकते हो मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल बताऊं मैंने डीबीएमएस काफी टाइम से रिवाइज नहीं किया था मैंने डिस्क्रीट मैथ 2010 के बाद से बहुत ज्यादा देखा नहीं मैंने इंजीनियरिंग मैथ बहुत प्रैक्टिस किया नहीं 2010-11 के बाद से जब से मैं अपने कॉलेज से निकला है ना उसके बाद में कंप्यूटर नेटवर्क मुझे बहुत कम याद था स्टिल इन 2018 थाउजेंड एटीन गेट एग्जाम मुझे फोर हंड्रेड रैंक आई फोर हंड्रेड फोर्टी एग्जैक्टली सिक्सटी मार्क्स कुछ फिफ्टी सेवन सिक्सटी के बीच में कुछ थे फोर हंड्रेड फोर्टी रैंक थी कैसे मुझे सीओ आता है ओएस आता है डेटा स्ट्रक्चर आता है एलगोरिदम आती है थोड़ा मैथ थोड़ा बहुत आता है डीबीएमएस थोड़ा कुछ आता है थोड़ा भूल गया हूं डिस्क्रीट मैथ बहुत सारा पोर्शन भूल गया हूं पर कुछ चीजें तो याद है है ना डिजिटल लॉजिक थोड़ा याद है कम से कम इतना तो कर सकता हूं एप्टीट्यूड बना सकता हूं है ना प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन बना सकता हूं है ना टीओसी और सीडी के थोड़े बहुत क्वेश्चन बना सकता हूं थोड़े ज्यादा नहीं सारे नहीं थोड़े बट जितना मुझे याद था कम से कम मैं उसे इंप्लीमेंट कर पाया एंड दैट इज वॉट अब मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं आपने मेहनत की है मुझे भी पता है आपको भी पता है कितनी की है ये सिर्फ आपको पता है मुझे नहीं पता बट आप अपने आप को यह तो बोल सकते हो कि जितना मैंने पढ़ा रिवाइज किया प्रैक्टिस किया टेस्ट लिखा उन सबको जितना मैक्सिमम हो सके यूटिलाइज तो करूं अपने आप पे भरोसा तो रखूं कि जो मैंने पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है जो मैंने मेहनत की है अच्छे से पढ़ी है और इसके थ्रू तो अब मैं एग्जाम में जितना आएगा उतना अच्छे से करके आऊंगा तो अगेन माई डियर फ्रेंड लेट मी कम बैक टू माई क्वेश्चन एंड माई पॉइंट कॉन्फिडेंस इसकी अगले कुछ दिनों में अब आप लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस लो होता है वो काम क्या हो सकते हैं टेस्ट सीरीज लिखना बंद कर दो ताकि मार्क्स कम आए और टेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो कम से कम हम लो फील ना करें दूसरा ऐसे लोगों से बातचीत बंद कर दो जो नेगेटिविटी फैलाते हैं या नेगेटिव बोलते हैं आपके लिए बिल्कुल बंद कर दो चार पांच दिन लोगों से बातें नहीं करोगे उतना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी दो चार लोग हर किसी की लाइफ में होते हैं मेरी भी लाइफ में थे हैं और आपकी भी लाइफ में है आपकी लाइफ में और कोई नहीं होता है तो मेरे पास आना या मेरे हर लगभग हर दिन एक सेशन तो रहेगा कम से कम दस पंद्रह मिनट तो आपसे बात कर लूंगा मैं और पॉजिटिविटी ही दूंगा आप लोग मेरी तरफ से पूरे थ्रू आउट द ईयर कभी भी मैं नेगेटिव बातें नहीं करूंगा आपके लिए आपको सीख दे सकता हूं बट नेगेटिव बात नहीं करूंगा कभी भी ये मैं गारंटी ले सकता हूं आपके पेरेंट्स हैं फ्रेंड्स हैं हर कोई तो इतना पॉजिटिव रहता है आपके लिए तो थोड़ा उन लोगों से बातें कर सकते हो बहुत सारे ऐसे रिलेटिव भी होंगे जो पॉजिटिव रहते हैं आपके लिए उनसे बातें कर सकते हो अगर लगता है बट ज्यादा नेगेटिव लोगों से बातें नहीं करो अवॉइड करो बाहर जाना बंद कर दो है ना क्योंकि अभी अगेन कोरोना की सिचुएशन थोड़ी सी ज्यादा टफ है एग्जाम लिखने के लिए जाना है तो हम बाहर नहीं जाए ताकि ठीक ही रहें है ना तीसरी चीज कोई भी ऐसी चीज जो आपने नहीं की है उसकी वजह से अपने सिर पे टेंशन लेना बंद कर दो कि अब ये बच गया था ये बच गया ये बच गया जो बच गया है इट इज फाइन अब आपके पास बच गया है उस पर कॉन्सेंट्रेट करने का टाइम निकल गया अगर आपने उस पर कॉन्सेंट्रेट किया तो जो सही चीज है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना बंद कर दोगे और जिस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है अगर आपने उसको छोड़ दिया तो जो बची हुई थी तो वो तो ऑफकोर्स आपको कोई हेल्प करेगी नहीं क्योंकि वो तो बची हुई रहेगी चार दिन में कोई भी नया चैप्टर या टॉपिक आप नहीं पढ़ सकते फॉर श्योर बट अगर आपने उसको यूटिलाइज कर लिया तो अच्छी रैंक आने की पॉसिबिलिटी है एक और मूवी का एग्जाम्पल याद आ रहा है मुझे और बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है अगर आप लोगों ने कभी एमएस धोनी मूवी देखी है है ना तो उस एम एस धोनी मूवी में एक छोटा सा सीन था जब लोअर लेवल पे है ना डोमेस्टिक लेवल पे एम एस धोनी क्रिकेट मैच खेल रहे थे अगेंस्ट द पंजाब और उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है हम मैच कहां हारे बास्केटबॉल कोर्ट पे जब हमने एक प्लेयर युवराज सिंह को देखा और वो युवराज सिंह को देखने के बाद इतना ज्यादा मूव हो गए कि उनका कंसंट्रेशन क्रिकेट से हट गया उनका कंसंट्रेशन चले गया उस प्लेयर के लुक्स पे स्टाइल पे अ प्लेयर मैन एटसेट्रा एटसेट्रा पे अब तो ये तो आउट ही नहीं होगा और डेफिनेटली ऐसा हुआ तो आपका अगर कॉन्सेंट्रेशन आपने गलत जगह लगाया तो रिजल्ट गलत आना है ये गारंटीड है तो अब हमें जो छूट गया है चाहे 50 परसेंट सिलेबस छूटा हुआ है या 80 परसेंट सिलेबस छूटा हुआ है डज नॉट मैटर जो कंप्लीटेड है जिस चीज को आपने कंप्लीटली किया है उसी को रिवाइज करने में और उसी को ही पक्का करने में आप कंसंट्रेशन करेंगे ताकि कम से कम उन टॉपिक से जो क्वेश्चन आए उन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाए इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप एग्जाम तक लेके जाओगे एग्जाम में आपको कैसे एग्जाम के दिन को प्लान करना है उसका एक दिन पहला वाला दिन प्लान करना है वो मैं थर्ड ऑफ फेब को लाइव आके आप लोगों को बताऊंगा दो दिन पहले थर्ड ऑफ फेब को मैं आप लोगों के साथ लाइव आऊंगा और आपको बताऊंगा एग्जैक्टली exactly कि आप क्या करोगे सेकेंड ऑफ फेब को थर्ड ऑफ फेब को फोर्थ ऑफ फेब को मैं आप लोगों से आराम से बातें करता रहूंगा इस चैनल के थ्रू अन एकेडमी प्लेटफॉर्म के, के थ्रू जहां पे हम फ्री क्लासेस भी ले सकते हैं अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ऐप डाउनलोड कर लेना अन अकेडमी लर्नर ऐप और डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है अब और जितना आपने पढ़ा है अपने आप को बिलीव करवाओ कि जो मैंने पढ़ा है बस वो बहुत बहुत अच्छा है बहुत सही लेवल पे है और जितना मैंने पढ़ा है उतने से मैं अच्छा रैंक अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करूंगा ये चीज याद रखें एक और कि एग्जाम में आप लोगों को सारे 65 क्वेश्चंस क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं आप अगर 50 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके आओगे तो 70 मार्क्स तक का अटेम्प्ट कर सकते हो आपको पता है राइट अगर आप 15 क्वेश्चन सारे दो मार्क्स के भी छोड़ोगे तो 70 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो 70 मार्क्स में से आपको 60, 65 लाना बुरी गलत नहीं होगा अगर आपका प्रिपरेशन सही लेवल का था तो।, तो अभी भी आपके पास चांस है कि उन फिफ्टी क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करें जो हमारे सब्जेक्ट से आएंगे टॉपिक से आएंगे अब देखो आपका टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका या जो आपका जो स्ट्रांग टॉपिक है वो दूसरे से अलग हो सकता है हो सकता है किसी को टीओ में कंप्लीट मार्क्स आए हैं बट सीओ में एक दो मार्क्स कट हो गए कि हो सकता है आपको सीओओ एस में अच्छे मार्क्स आए हो बट प्रोग्रामिंग में एक आध मार्क कट हो गया अल्टीमेटली सबका गोल यही है कि जिसने जिस सब्जेक्ट को अच्छे से स्ट्रांगली पढ़ा है उस सब्जेक्ट के अच्छे मार्क्स पूरे पूरे मार्क्स कवर करने हैं है ना पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है क्या करना है पेपर में क्या नहीं करना है मैं वापस से बता देता हूं थर्ड ऑफ को आप लोगों के साथ लाइव आके आपको बताऊंगा कि एग्जाम में आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे किस चीज को ठीक है चलिए तो इस चीज का ध्यान रखें आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि मेरे शब्द जो है आपको हेल्प करते हैं तो एक छोटा सा काम कर लेना ये वाला वीडियो अपने सारे उन फ्रेंड्स तक उन ग्रुप्स तक उन सारे लोगों तक पहुंचाना जरूर जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं आपके दोस्तों में आपके कलीग्स में बट उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत डरे हुए हैं ये शब्द जो मेरे हैं अगर आपको भी कॉन्फिडेंस देते हैं और उन्हें भी कॉन्फिडेंस देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी कि आप लोगों ने भी लोगों को पॉजिटिविटी स्प्रेड करवाई देखिए कॉम्पिटिशन एक साइड होती है और अच्छाई दूसरी साइड अगर आप अच्छे हैं तो कंपटीशन भूल के लोगों की हेल्प कर सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आपसे आगे निकल जाएंगे एटसेट्रा एटसेट्रा आपका ये टैलेंट है आप जिस तरीके से जिस तर... जिस भी चीज को पढ़ के जाएंगे उसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो प्लीज बिल्कुल भी हेजिटेट मत होना लोगों से ये वीडियो शेयर करने में मैं चाहता हूं कि मैं आप सब लोगों के साथ मिलके और एक ऐसा स्टूडेंट कम्युनिटी एक ऐसा स्टूडेंट बेस बनाऊं जो इस कंट्री को ऊपर लेके जाए इस कंट्री में टेक्नोलॉजी में बहुत 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 बड़ा वाइड चेंज लेके आए और मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट जो उस कम्युनिटी को बनाने में या उस स्टूडेंट बेस को बनाने में है और वो है ये गेट का एग्जाम तो आप गेट क्रेक करेंगे अच्छी जगह जाएंगे आई आई टीज आई आई सी एन आई टीज ट्रिपल आई टीज में पढ़ेंगे वहां रिसर्च वर्क करेंगे इंडिया के कंट्री के इनफैक्ट आउटसाइड इंडिया के भी ब्रिलियंट माइंड के साथ में इंटरैक्ट करेंगे और फिर जब आप अपने कैरेक्टर अपने नॉलेज बेस अपने अंडरस्टैंडिंग में और अपनी अपनी थिंकिंग लेवल में जब चेंजेस देखेंगे तो फॉर श्योर sure ये चीज जरूर याद रखेंगे कि अब हमें एक ऐसी कम्युनिटी बनानी है जिसमें ऐसे स्टूडेंट हमसे कम्युनिकेटेड करेंगे कम्युनिकेट करेंगे ऐसे कन, लोग कनेक्टेड रहेंगे इंक्लूडिंग मी इंक्लूडिंग यू कि जो सब लोग मिलके और इस कंट्री को ऊपर लेके जा रहे हैं चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में बट बिफोर बिफोर दैट वी गो फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप गेट ट्वेंटी थ्री का भी तैयारी कर रहे हैं तो मैं बता दूं फिर से कि गेट ट्वेंटी थ्री का तैयारी अगर आप करते हैं मतलब आप थर्ड ईयर फाइनल ईयर में रहेंगे या आप पास आउट रहेंगे जो भी आपका प्लान है आगे का अच्छे से अभी से कर लेना एग्जाम के बाद लंबा गैप मत लेना या ब्रेक मत लेना क्योंकि बहुत जरूरी है आपका अगला एक साल और उसी के बेसिस पे रहेगा आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है करियर बहुत सारा टाइम जो है वेस्ट होता है यहां वहां की चीजों में कॉलेज जा आ जाते हैं फेस्टिवल्स आ जाते हैं इवेंट्स आ जाती हैं प्रोजेक्ट्स होते हैं कॉलेज के वाइवा होती हैं एग्जाम्स होती है बहुत सारी चीजें हैं तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपको अगला एक साल हर चीज के लिए यूटिलाइज करना है स्किल डेवलपमेंट भी करना है प्रोग्रामिंग भी सीखनी है हमें कॉलेज भी देखना है वाइवा भी देखना है इवेंट्स भी एंजॉय करना है प्लस गेट का प्रिपरेशन भी करना है तो उसके लिए आपको जितना टाइम आप गेट की प्रिपरेशन में देते हैं वो बेस्ट तरीके से होना चाहिए और वो तभी मुमकिन है जब आप स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल को फॉलो करें जो हम यहाँ आपको प्लस पे दे सकते हैं प्लस का सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जो आप रिकॉर्डेड भी सुन सकते हैं वीकली टेस्ट मिलेंगे आपको इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलेंगे बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज मैनर में आपको लर्निंग मिलेगी गाइडेंस ऑफ एजुकेटर मिलेगा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगी जितने भी लेक्चर्स अन प्लस पे हो चुके हैं वो सारे आप एक्सेस कर सकते हो लेटर ऑन टू मतलब कि जो आप लेक्चर देख चुके हो लाइव वो भी और पिछले पिछले तीन चार साल पांच साल में जब तक अन एकेडमी प्लस के जितने लेक्चर्स हो चुके हैं वो सारे लेक्चर्स आप एक्सेस कर पाओगे प्लस से अनलिमिटेड टाइम्स कितनी भी बार देखोगे आपको हर बारी जितना चा, चाहो उतनी बार देख सकते हो अगर आपको प्लस के बेनिफिट के साथ में ज्यादा पर्सनलाइज प्रिपरेशन चाहिए तो फिर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस के बेनिफिट्स के साथ आपको पर्सनल कोच मिलेंगे जो वन ऑन वन गाइडेंस देंगे प्रिपरेशन बना के देंगे कस्टमाइज स्टडी प्लान बना के देंगे आपका परफॉर्मेंस ट्रैक करेंगे आपको 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 बूस्टर सेशन मिलेंगे एनालिसिस मिलेगी ये तब समझ में आएगा जब आप फाइनल एग्जाम के आसपास रहेंगे और जब आपके मार्क्स नहीं आ रहे होंगे और फिर आप मुझसे पूछोगे सर मार्क्स कैसे इंप्रूव करें तो मैं बताऊंगा कि इसके लिए पर्सनलाइज एनालिसिस अगर कोई कर पाएगा तो बहुत अच्छा होगा और एनालिसिस वही कर सकता है जो शुरुआत से आपकी प्रिपरेशन देखता आ रहा है कि कैसे आपने प्रिपरेशन किया कहां से क्या पढ़ा कितना पढ़ा कितना आप किस कोर्स में अच्छे हैं उसके बेसिस पे एनालिसिस होगी और वो तभी हो सकती है जब पर्सन को कोच को एक्सपर्ट को आपके बारे में थ्रू आउट दी ईयर पता हो कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे थे आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अलग से पर्सनलाइज नोट्स और प्रैक्टिस सेट्स भी भेजे जाएंगे घर पे इसके अलावा आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर भी मिलेगा कोई भी सब्सक्रिप्शन आप प्लस या आइकॉनिक का लेंगे तो आपको अलग अलग ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है जो ड्यूरेशन आपको ठीक लगता है वो सिलेक्ट करो और ये कोड यूज कर लो वीडीप टेन अगर आपने ये कोड यूज किया वीडीप टेन तो आपको एक तो टेन परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा मेरी टीम का सपोर्ट मिल जाएगा ये कोड डिस्काउंट कोड नहीं है अकेला ये कोड एक कनेक्शन का कोड है जो आपको मुझे कनेक्ट करवाएगा कोड एक ऐसा कोड है जिसकी हेल्प से आप और मैं एक ब्रिज बनाएंगे आपकी मेहनत और मेरी मेहनत के बीच ताकि हम दोनों कनेक्टेड रहकर और आपके लिए काम कर सकते हैं मेहनत करेंगे दोनों मिलके आप और मैं ताकि आपका करियर बन पाए अलग अलग बैचेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं और नई बैचेस आने वाली हैं बहुत जल्दी इस पर्टिकुलर वेंसडे से जी हाँ फरवरी तीन से नई बैचेस स्टार्ट हो रही हैं से आई गेस तो आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेके और ये बैचेस को फॉलो कर लीजिए ताकि आप सब लोगों को सही स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिल पाए ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि आप लोगों को हमारे पीडीएफ और लेक्चर के लिंक्स एक्सेट्रा मिलते रहे और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टर्न ऑन कर लें नोटिफिकेशन ताकि फ्यूचर के सारे लेक्चर्स आपको Rahe. See you again in the next session. Till then, have a great day, happy learning, and have confidence. Bye bye.